पहले पहले जो है शुरू में मेल नेस्टिंग करनी शुरू करता है, ठीक है। जब थोड़ी सी नेस्टिंग अच्छी हो जाती है फिर फीमेल जो है वो बॉक्स में जाना शुरू होती है और फिर 10 से 15 दिन में जो है वो अंडे आ जाते हैं। जब भी आप बॉक्स लगाएंगे उससे पहले आपने बर्ड्स की अपने डीवॉर्मिंग करनी है। वो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होता है जो वॉर्म होते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स के अंदर हो सकते हैं, उसकी वजह से जो है फीमेल कभी भी जो है वो ब्रीड में नहीं आती। भाई देखें, अगर आपका बर्ड आपका पेयर जो है वो पहली दफा ब्रीड के ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा आपने ख्याल करना होता है कि एग बाइंडिंग ना हो, आप उसको रेगुलर चेक करें। अगर मादी अल्लाह ना करे बॉक्स में ही कोने में जाके बैठ गई है या फिर नीचे पिंजरे में बैठ गई है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप विक्स लगा दें उसके वेंट पे, वो खुद ही जो अंडा बाहर फेंक दे। बहुत सारी फीमेल्स जो है ना उनकी आदत ये होती है कि वो अंडे तो दे रही होती हैं लेकिन अंडों को इंक्यूबेट नहीं कर रही होती, यानी कि बैठ नहीं रही होती ना उसपे। तो वो लोग समझ रहे हो कि जी ये अंडे हमारे ठंडे हैं क्योंकि मादी तो बैठ नहीं रही है, वो निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है, बड़े बच्चों के पैरों के नीचे आके या माँ बाप के पैरों के नीचे आके छोटे बच्चे मर जाते हैं। छोटे बच्चों को उठा के छोटे बच्चों के साथ करें, उसी को बैलेंसिंग कहते हैं। आप ये बताओ कि यार ये जो आजकल डीले लग रही है, अक्सर मैं देख रहा होता हूँ और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे, भाई कुछ लोग हैं भाई 50,000 में 5-5 पेयर केज के साथ 80,000 में डीले लग रही है, तो क्या कहते हो आप, ले लूं फिर वहां से अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं साथ में, क्या कर लें? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला आप लोगों को क्योंकि कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो मैं फेस कर रहा हूं तो वो बहुत सारे न्यू फैंसियर भी फेस कर रहे होंगे, वो हम पूछेंगे। आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग निकले हुए थे खाना खाने और साथ में हमारे साथ मौजूद थे तो हमने मौके को गनीमत जाना और सोचा कि साथ भी को पकड़ते हैं और इनसे कुछ मजीद चीज़ें मालूमात लेते हैं इनसे। अच्छा अभी थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा है क्योंकि रात का टाइम है तो शक्लें तो आपको हमारी नज़र नहीं आएगी प्रॉपर, तो आप लोगों के लिए जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं आप लोगों के काम की, वो इम्पोर्टेंट है तो उस पर फोकस रखेंगे हम। तो साथ भाई से मिलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा साध भाई, सबसे पहले तो देखो जो मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ वो हो सकता है और लोग भी फेस कर रहे हो, पहली दफ़ा अगर किसी ने बर्ड रखा है तो वो भी उसके भी ये सवाल हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो है आपको पता है कि दो पेयर मैंने रखे हुए हैं जिसमें एक पार ब्लू इंटू पार ब्लू स्प्लिटिनो है दोनों और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू है जो कि आपने ही दिए थे मुझे, ठीक है। और ग्रीन वाले जो है ग्रीन यूविंग वो आपने बताया कि उनकी अडल्ट हो चुके हैं, 10 मंथ से ऊपर एज है और जो दूसरे हैं वो पट्ठे हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है सीन जो मैं नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, सीन क्या हो रहा है कि ये जो ग्रीन वाले हैं ना ये इसमें से एक जो मुझे लगता है कि फीमेल है वो जो है थोड़े थोड़े टाइम बाद जो है ना बॉक्स में जा रही है। आपने कहा था बॉक्स लगा दो तो मैंने बॉक्स लगा दिए थे ना, तो बॉक्स में जाती है और फिर फौरन ही बाहर आ जाती है थोड़ी देर में। और जो दूसरा है वो क्या कर रहा है कि बॉक्स पे मतलब बॉक्स के पास जाता है, झांकता है और वापस आ जाता है। तो ये क्या सीन है, ये क्या एक्सरसाइज हो रही है साथ भाई? यासर भाई देखें, सबसे पहले तो जो वो पट्ठों का पेयर है ना उसको तो आप सीरियस ही मत लें क्योंकि वो 5 महीने का है, ठीक है, या 6 महीने का है, वो तो एक्टिविटी कर रहे हैं और समझे कि वो तो सिर्फ खेल रहे हैं, समझ रहे हैं, और कुछ हवा हवा चलती है तो वो अंदर भी चले जाते होंगे, ठीक है। बाकी जो दूसरा आपका पेयर है वो अभी नेस्टिंग करना शुरू किया उसने, वो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो लेइंग भी करेगी फीमेल, ठीक है। और ये निशानी होती है जब फीमेल जो है वो हीट पे आती है यासर भाई, तो वो पहले नेस्टिंग करती है 10-15 दिन जो है ना वो नेस्टिंग करती है, उसके बाद जो है वो अंडे ले करना शुरू करती है। सही है। अच्छा यानी कि ये निशानी है कि नेस्टिंग करना लगे क्योंकि वो मैंने देखा है वो लूसन के ना कुछ तिनके लेके गए हैं अंदर। जी बिल्कुल यासर भाई, वो नेस्टिंग करेंगे, पहले जो है शुरू में मेल नेस्टिंग करनी शुरू करता है, ठीक है। जब थोड़ी सी नेस्टिंग अच्छी हो जाती है फिर फीमेल जो है वो बॉक्स में जाना शुरू होती है और फिर 10 से 15 दिन में जो है वो अंडे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताया साथ भाई कि अब मैं देख रहा हूँ इनको नोटिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से इस तरह की एक्टिविटीज चल रही है,
तो ये नेस्टिंग मतलब कि कितने टाइम में आपको लगता है, मतलब मेरे जहन में सवाल है ना कि कितने दिन में नेस्टिंग, दो चार दिन में बनाते हैं? बताया ना मैंने, तकरीबन 10 से 12 दिन 15 दिन इतने ले लेते हैं। अच्छा, 10 से 12 दिन। और कोई, हाँ, और इनके नेचर पे, इनके मूड पे होता है, कोई पेयर बहुत अच्छी बहुत हैवी नेस्टिंग करता है, कोई कम नेस्टिंग करता है। सही है। अच्छा, जो दूसरा, मैं वैसे इन्हीं पे फोकस कर रहा हूँ जो ग्रीन है, क्योंकि आपने बताया था ये एडल्ट है और दूसरे अभी पट्टे हैं। जो दूसरा पेयर है पार ब्लू वाला, वो है पट्टे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि इनकी जो दीवार है ना केज की, जहाँ इनका बॉक्स लगा हुआ है, वो आगे इस पे चिपक जाते हैं, वो फिर चले जाते हैं, फिर चिपक जाते हैं। तो ये इसका क्या रीजन है, क्या मतलब? बस यासर भाई, इसका रीजन क्या कह सकते हैं, वो बस देख रहे हैं उनको, बस उनको देख के जो जो है वो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वो तो अभी पट्टे हैं, बच्चे हैं। सही है। वो तो इंशाल्लाह उनकी तो अभी मुमकिन ही नहीं है। सही है, ब्रीड वगैरह ठीक हो गया। अच्छा साथ भाई, मैंने देखा कि वो जो पट्टे हैं ना, उनमें से भी एक जो फीमेल है वो भी कुछ दिन के लेके गया हुआ है बॉक्स के अंदर, तो हो सकता है वो उसको कॉपी कर रहा हूँ। यासर भाई, ये कुछ भी कह लें आप, बर्ड्स की जो है वो आदत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग, अल्लाह माफ करे, डीले वीले भी लग रही हैं, और वो जो है ना वो मेल मेल दे देते हैं पेयर कह के, दोनों नर होते हैं वो, और वो दोनों नेस्टिंग कर रहे होते हैं। लोग समझ रहे होते हैं कि भाई ये तो नेस्टिंग हो रही है, ये तो पेयर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बर्ड की नेचर है, फीमेल्स होंगी वो भी नेस्टिंग कर रही होंगी, मेल मेल होंगे वो भी कर रहे होंगे, और मेल फीमेल हो रहे होंगे तो भी नेस्टिंग हो रही होगी, तो ये तो उनकी आदत है। सही है। अच्छा साथ भी ये बताएं कि अब ये नेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ब्रीड करेंगे ना, ठीक है? इंशाल्लाह। तो इनको कुछ स्पेशली मुझे देना चाहिए उनको, कोई भाई ब्रीडिंग के लिए कोई तेजी से ब्रीड करते हैं, अच्छी ब्रीड करते हैं, कुछ ऐसा करना चाहिए? ऐसे भाई बिल्कुल जो है ना नेचुरली ऑर्गेनिक पे रखे हैं, कोई जो है ब्रीडिंग फार्मूले और पता नहीं कौन कौन से ऑयल और कौन कौन सी मेडिसिन हैं, वो सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। हाँ ये करें, मल्टीविटामिन दें, ई सिलेनियम दें, वो ज्यादा अच्छा है। ई सिलेनियम से जो है वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, और जिनके जो है वो रूम्स हैं, जिनकी एवरियां पैक हैं, वो जो है D3 भी यूज कराएं अपने बर्ड्स को। सही हो गया। बस अच्छा, ये जो D3, ई सिलेनियम और मल्टीविटामिन जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, आपने बताया था, वो तो मैं ऑलरेडी इनको दे रहा हूँ। वैसे ही जैसे आपने बताया था कि 2 कतरे D3, एक एक कतरा ई सिलेनियम और 1 कतरा मल्टीविटामिन, ये मैं इनको दे रहा हूँ। उसके अलावा सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ इनको, भुट्टा देता हूँ, लूसन देता हूँ, और दाना है, बस ये चीज़ें दे रहा हूँ। सही है। अच्छा आप साथ में ये बताएं कि माशाल्लाह आपके पास तो 125 के करीब पेयर हैं, और आप तो ब्रीडिंग हर साल ले रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं जब सीज़न स्टार्ट होता है और आपको पता चल, मतलब आपको होता है कि यार आप बॉक्स लगा लें इनको, और आप ये जो है ना लेइंग करेंगे, मतलब क्लच स्टार्ट होगा पहला, जी तो ये बताएं जब हम इनको लगाते हैं बॉक्स, तो आपके पास क्या होता है कि आपने बॉक्स लगा दी है सबको, अब वो एक साथ सब ब्रीडिंग करना शुरू होते हैं, या कभी एक ने किया फिर दूसरे कितने ब्रीडिंग? यार सर बॉक्स की आपने बात की है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले आप सबको बताऊं, खासतौर पर न्यू फैंसियर्स के लिए, जब भी आप बॉक्स लगाएंगे उससे पहले आपने बर्ड्स की अपने डीवॉर्मिंग करनी है। डीवॉर्मिंग अच्छा। करनी होती है, वो क्या होती है वो भी बताएंगे। वो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होता है जो वॉर्म होते हैं, ठीक है, जो बर्ड्स के अंदर हो सकते हैं, उसकी वजह से जो है फीमेल कभी भी जो है वो हीट पे नहीं आती। अच्छा। या कह लें हीट पे नहीं आती, या एग ले नहीं करती, तो उस बैक्टीरिया को, उस जो है ना वॉर्म को, उस कीड़े को हमें मारना होता है। दिस इज कॉल्ड डी वार्मिंग। अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है बॉक्सेस के पे आ जाते हैं, तो बॉक्सेस में पहले आप अपना कॉम्पैक्स पाउडर डालें, फिर अपने हाथ से जो है वो कोई भी जो नेस्टिंग मटेरियल हो, उसमें आपका जो है वो नीम के पत्ते भी हो सकते हैं, उसमें मोरिंगा के पत्ते हो सकते हैं, उसमें जो है आपकी जो है वो खदा घास हो सकती है, और वो कूची वाली घास है, 2-3-4 जिस तरह का भी आप बेहतर समझें वो नेस्टिंग मटेरियल हो, लेकिन नीचे जो है कॉम्पैक्स पाउडर डालें, फिर नेस्टिंग मटेरियल डालें, और कोशिश करें जितने भी बर्ड्स हों सब में एक ही दिन में बॉक्स लगाएं, ताकि लेंगे एक साथ आए, और फॉस्टिंग वगैरह में या बैलेंसिंग करने में बच्चों को, अंडों को आपको परेशानी ना हो। सही है। अच्छा साथ में ये डीवॉर्मिंग की आपने बात की, ये मेरे जहन में भी काफी दफा सवाल आया, मैंने पूछना आपसे भूल गया, अच्छा हुआ आपने बात करी। तो ये डीवॉर्मिंग करते कैसे हैं ये तो बताएं। डीवॉर्मिंग कैसे करते हैं, मेडिसिन आती है या सिर्फ डीवॉर्मिंग की? ठीक है।
एंटीबायोटिक्स आती है, वो 3 दिन का कोर्स होता है, वो करना होता है, वो मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी लगाइएगा। ठीक है। बाकी ये कि सबसे बेहतर ये है कि आप सेब का सिरका दें। सेब का सिरका, हाँ, हफ्ते में एक दिन अगर आप सेब का सिरका रहेंगे देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ, वो भी बहुत अच्छी चीज है। सही। अच्छा, साथ में मैं एक चीज बता दूं जो आपने मुझे ही बताई थी, तो हमारे सुनने देखने वालों को भी हम बता दें कि आपने मुझे बताया था कि जो मल्टीविटामिन D3 और ई सिलीनियम, 4 दिन ये देने होते हैं, 2 दिन सेब का सिरका देना होता है और 2 दिन नॉर्मल वाटर देना होता है, तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ ऑलरेडी। तो डॉक्टर भाई, वो जो है ना तरीका ये है कि 4 दिन या 5 दिन आप ये दे दें। ठीक है। मतलब ये जो माइलेक का पूरा सेट है D3 सिलीनियम मल्टीविटामिन, उसके बाद 1 दिन जो है इनको सादा पानी दे दें। ठीक है। उसके बाद 1 दिन सेब का सिरका दे दें। अच्छा, बस इस तरीके से चला पूरा हफ्ता, इसी तरह साइकिल करते रहे, इसी तरह चलते रहे। ठीक हो गया। अच्छा साथ भाई, अब ये भी बताओ मुझे आपके, एक तो देखे मैं नया न्यू फैंसियर हूँ, तो बहुत से ऐसे होंगे जो न्यू पहली दफा कर रहे होंगे काम। जी जी। अब ब्रीड का हमें पता चल गया भाई, हमने बॉक्स लगाना है, ये सब कुछ करना है, फिर ब्रीड होगी, अंडे देंगे। अब अंडे जब पहली दफा दे, हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या क्या, जैसे लोग करते हैं ना भाई अंडे पे मतलब काउंट कुछ लिख लेते हैं बॉक्स पे कि ये पहले दिन का अंडा है या दूसरे दिन का है, वो सारी चीजें बताएं ताकि हम उसको आगे जब अंडे वो देते हैं तो यानी ब्रीडिंग देती करते हैं तो फिर हम उसको लेके चले ना वैसे सिस्टमेटिकली। सर भाई देखें, अगर आपका बर्ड आपका पेयर जो है वो पहली दफा ब्रीड के ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा आपने ख्याल करना होता है कि एग बाइंडिंग ना हो। फीमेल को जो आजकल बहुत इश्यूज हो रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं बहुत कि एग बाइंडिंग हो जाती है, यानी कि एग जो है वो नीचे उनके वेंट पे फंस जाता है, वो आ नहीं पाता। वो होता क्या है, फीमेल का साइज छोटा होता है, उसका वेंट छोटा होता है, अंडे का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर अंडा जो है वो रोटेट कर जाता है बॉडी के अंदर, घूम जाता है, उसकी वजह से फीमेल जो है ना वो अंडे को बाहर नहीं निकाल पाती। ठीक है। तो वो क्या करती है, उसको चेक करते रहें, वेंट जब फूला हुआ आप उसको रेगुलर चेक करें। अगर मादी अल्लाह ना करे बॉक्स में ही कोने में जाके बैठ गई है या फिर नीचे पिंजरे में बैठ गई है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन है कि आप विक्स लगा दें उसके वेंट पे, वो खुद ही जो अंडा बाहर फेंक देगी। सही हो गया, जबरदस्त आइडिया बताया। ये जो है एग बाइंडिंग के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो इलाज है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग अंडे निकालते हुए जो है वो तोड़ देते हैं, तो उसी वक्त आपकी मादी एक्सपायर हो जाएगी अगर अल्लाह ना करे अंदर जो है वो अंडा अगर वो टूट जाता है, सही है, तो समझेंगे गेम खत्म हो गया। तो उससे बेहतर ये है कि विक्स लें आप, जो हम नॉर्मल विक्स नस्लें वगैरह में यूज करते हैं, वो उसके वेंट पे अच्छे तरीके से लगा दें, इंशाल्लाह ताला 1-2 घंटे में 3 घंटे में जो है ना मादी वेंट से जो है ना वो अंडे को पास कर देगी। सही है। अच्छा साथ भी ये नए बंदे को कैसे पता चलेगा भाई अंडा फंस गया है, बताया ना यासर भाई, वो पर फुला के कोने पे बैठ जाएगी, पिंजरे के कोने पे बैठ जाएगी, सुस्त हो जाएगी, उड़ेगी नहीं। सही है, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा उसको, आपने देखना है। और अगर जो है आमतौर पे होता है यही है कि जो पहला क्लच आ रहा होता है और पहली दफा जो फीमेल एग ले कर रही होती है वो फंसता पहला ही अंडा है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक दफा वो पास हो जाता है तो फिर उसके बाद इतना ज्यादा नहीं होता है एग बाइंडिंग का। अच्छा साथ भाई, ये भी बताएं कि मतलब मैं चाह रहा हूँ पूरी डिटेल हम इसमें ना आपसे ले लें आज, जैसे कि अब पहला अंडा दे दिया, अब हमें क्या क्या करना है, क्या करना है, डेट नोट कर लें। यासिर भाई, डेट नोट कर लें, अंडे के ऊपर ही जो है ना हल्के सा कोई जो है वो टेम्परेरी या परमानेंट मार्कर लें बारीक, उसके ऊपर डेट लिखते हैं अंडे पे। ठीक है, जिससे हमें पता होगा ये पहले दिन का, ये पहले दिन का अंडा। अच्छा, उसके बाद दूसरा नॉर्मली अंडा कब देती है वो, 1 दिन छोड़ के। सही है, वो उस पे हमने डेट लिख ली, उस पे भी लिख लें। सही है, और क्या क्या करना चाहिए हमें, बस यासर भाई डेट लिख के रख लें, उसके बाद जितने भी पेयर आ रहे हैं, क्योंकि आपने बॉक्स एक साथ लगाए तो 1-2 दिन के आगे पीछे से ही आपके पास सारी लाइन आनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा साथ भी ये सुनने में आती है बात कि जो पहली दफा कोई पेयर ब्रीड करता है अंडे देता है तो उसमें इनफर्टिलिटी का मसला आ जाता है, वो नॉर्मल है वो कहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, इनफर्टाइल है फर्टाइल है, कितने दिन बाद चेक करें? यासर भाई 12 दिन बाद जो है ना अंडा जिस दिन दिया है फीमेल ने उसके 12 दिन बाद चेक करें। और ये भी होता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारी फीमेल्स जो है ना उनकी आदत ये होती है कि वो अंडे तो दे रही होती हैं लेकिन अंडों को इनक्यूबेट नहीं कर रही होती, यानी कि बैठ नहीं रही होती ना उसपे, तो वो लोग समझ रहे हो कि जी ये अंडे हमारे ठंडे हैं क्योंकि मादी तो बैठ नहीं रही है, वो निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये जो है बहुत सारी फीमेल्स जो है ना उनका नेचर ही होता है, ये पहले
लेइंग कंप्लीट करती हैं, यानी कि अगर उस फीमेल ने 3 अंडे देने या 4 देने या 5 देने या 6 देने, वो पहले पूरे 6 अंडे देगी, उसके बाद इंक्यूबेट करना शुरू करेगी। जी हाँ, तो आप वेट करें कम से कम अंडा देने के बाद 1 महीने जो है ना आपको वेट करना चाहिए। लोग समझ रहे होते हैं कि डेड इन शेल हो गया या जो है अंडा खराब हो गया, अनफर्टाइल हो गया, ऐसा नहीं है। वेट करें, सबर करें, इंशाल्लाह जो है। अच्छा साथ भी ये बताएं कि जो ना अंडे में से बच्चा निकल आया, अब क्या करना है, एहतियाती तदबीर? अब जो है यासिर भाई कुछ भी नहीं करना, उसको अच्छी गजाएं दें, अच्छा दाना दें, एग फूड दें, 100 फुट के अंदर भुट्टा रोज दें, लूसन रोज दें, और क्या करेंगे, कुछ खुद भी पालेगी, फिर खुद पालती रहेगी बस। और अगर कभी होता है जैसे एक अंडा आपका निकला 1 जनवरी को और आखिरी अंडा आपका निकल रहा है 15 जनवरी को, तो 15 दिन का गैप आ जाता है। तो होता क्या है, बड़े बच्चों के पैरों के नीचे आके या माँ बाप के पैरों के नीचे आके छोटे बच्चे मर जाते हैं, तो उसका ख्याल रखें, छोटे बच्चों को उठा के छोटे बच्चों के साथ करें, उसी को बैलेंसिंग कहते हैं। छोटे बच्चों के साथ मतलब जो दूसरे पैर ने अंडे दिए हैं, जो बच्चे दिए हैं उसको, हाँ, या तो बड़े हटा के बड़ों के साथ कर दें या छोटे कर दें, उसको ही बैलेंसिंग कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही, ये मैं तकरीबन रोज करता हूँ। ठीक है, अच्छा साथ में ये वीडियो चूंकि लंबी ना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है इसमें जितने सवाल किए जाए उतना कम है, तो इस पे मजीद हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं एक चीज, ये कि एक तो हमने बात की थी आपसे लास्ट वीडियो में, आपने अपने चैनल पे, जो आपका चैनल है उस पे आपने बताया था कि यार हम हर हफ्ते में एक वीडियो लेकर आएंगे, कम से कम 1 से 2 वीडियो पेयरिंग के हवाले से। तो एक तो पेयरिंग में अभी आपसे पूछने वाला हूँ कि कौन सी बेस्ट है, लेकिन उससे भी पहले आप ये बताओ कि यार ये जो आजकल डीलें लग रही हैं, अक्सर मैं देख रहा होता हूँ और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे, भाई कुछ लोग हैं भाई 50,000 में 5-5 पेयर कैच के साथ, 80,000 में डीलें लग रही हैं, तो क्या कहते हो आप, ले लूँ फिर वहाँ से अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं साथ में, क्या करना चाहिए? यासिर भाई मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वही जानता है जो दे रहा है, और वो भी नहीं जानता क्योंकि वो खुद आगे से किसी से ले रहा है। अच्छा, और तो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी देखें, मेरी बात सुने, न्यू फैंसियर्स के लिए मैसेज है, कभी भी परिंदा लेना तो वो उसका जो है ना, एक तो उसके पैर में रिंग होना चाहिए, सही है। वो निशानी है कि वो किसी ब्रीडर का माल है, सही हो गया, ठीक है। और रिंग का भी साइज देखें, आजकल तो अल्लाह माफ करे, बड़े तोतों के जो है ना वो बड़े रिंग बनवाए हैं लोगों ने, और वो ब्रीडर का रिंग काट के अपने रिंग डाल के दे देते हैं मार्केट से, माल खरीद के और बेच देते हैं कि जी मेरे घर का बच्चा है। अच्छा, तो रिंग चेक करें कि किस सन का है, उसको थोड़ा सा देखें, ठीक है। और जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बर्ड्स की जो है ना एज सेम होनी चाहिए। अभी मैं किसी की वीडियो देख रहा था यासिर भाई, उन्होंने बताया कि जी ये फलानी फलानी डील है और ये पेयर है, और वो पेयर के अंदर और एक पीस जो है वो 2 महीने का, उन्होंने 3 महीने का डाला हुआ था, और एक पीस जो है वो 2-2.5 साल का डाला हुआ था। अच्छा, अभी कुछ अरसे पहले ही मैं वो वीडियो देख रहा था। तो एज जो है ना न्यू ब्रीडर के लिए देखें सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो कि ब्रीडर से लें, ठीक है, और बच्चे के माँ बाप देखें, ठीक है, उसके माँ बाप देख के लें, सही है, और डीएनए के साथ लें, और रिंग लगा हुआ होना चाहिए उस ब्रीडर का, एज पता चले ना यार, ठीक है, एज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एज छोटी, यानी ऑथेंटिक जगह से लेना चाहिए भाई, अगर आप कहीं भी वीडियो देख के ले लोगे, हो सकता है वो सही भी मिल जाए चीज, हो सकता है गलत भी मिल जाए। अच्छा साथ में एक चीज और भी, उस वीडियो में मैं जो आपसे जिक्र किया उस वीडियो का, तो मकसद ये था कि देखें एक चीज जो खुद बता रहे हैं भाई, ये 77,000 रुपए की है, मैं 50,000 की दे रहा हूँ, जबकि वो 77 की भी नहीं है, वो 1,00,000 से भी ऊपर की चीज है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में अगर आप किसी अच्छे ब्रीडर से लेते हो, 1,00,000 रुपए से ऊपर वो पेयर मिलेंगे आपको, जो वो 77 के बता के 50 के दे रहा है। तो साथ भाई जो चीज 1,00,000 रुपए से ऊपर की है वो 77 में दे रहे हैं, और प्लस उसमें भी नहीं दे रहे हैं बल्कि बता के 50,000 की दे रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी, जाहिर सी बात है क्वालिटी, पता नहीं डीएनए भी नहीं है, फिर वो पता नहीं किस तरह की चीज़ है, क्या है। तो यानी कि जो आपने लेना है तो किसी ऑथेंटिक बंदे से ले लो, जो आपको श्योरिटी भी दे, जो आपको बता के भी दे, जिसमें जो है ना उसके अपना रिंग भी हो, डीएनए टेस्ट भी हो, ऐसा है, यानी कि हमें उनसे नहीं लेना चाहिए। यासिर भाई असल में सिलसिला ये है कि लोग जो है ना वो अपनी रेटिंग वेटिंग बढ़ाने के लिए, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए ये डीले वीले डाल देते हैं। सबसे आसान हल है आप उनको कॉल करें कि सर मुझे 50 पेयर चाहिए, मुझे 40 पेयर चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनसे बोले सर एक एज के बर्ड्स दे दें मुझे, या फिर आप मुझे अपनी एवरी दिखा दें,
तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा यासर भाई, यानी एवरी जरूर चेक करें जिससे ले रहे हैं। हाँ एवरी चेक करें और फिर देखें, वो क्वांटिटी नहीं दे सकते ना, वो तो पकड़ झगड़ के दे रहे हैं आपको। सही हो गया। अच्छा साथ भाई ये बताएं, ये न्यू फैंसियर को आप क्या मशवरा देते हो कि वो अगर शुरुआत करे तो कमर्शियल पेयर से शुरुआत करे, कमर्शियल ब्रीड रखे सबसे ज्यादा, या कमर्शियल प्लस म्यूटेशन रखे, या म्यूटेशन से स्टार्ट करें, जैसे कि पेल फेलो और डेन फेलो, इस पर भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रीडर काम कर रहे हैं, तो वो रखनी चाहिए या कमर्शियल रखनी चाहिए? यार सर भाई देखें, सबसे पहले तो जो न्यू फैंसियर है ना उसको तो मैं कहूँगा कि भाई जाओ किसी, वो भी जो है ना किसी ब्रीडर से देखभाल के दो पेयर या एक पेयर लोटिनो का ले लो या फिशर का ले लो, जो आपको कंफर्म करके दे कि भाई ये मेल फीमेल है, वरना यही होगा एक साल बाद छः महीने रखने के बाद आप बोलोगे अरे तो सिर्फ दाना खा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। तो किसी अच्छे ऑथेंटिक ब्रीडर से लें, वो भी एक पेयर भी या दो पेयर भी, वहाँ से शुरू करें और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आएँ। बाकी ये कि पेल फेलो डन फेलो का तो मैं बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा। अभी आप देखें ना क्या हालात चल रहे हैं, क्या बुरा हाल है, जो 15-15, 16-16 लाख रुपए का पेयर था आज वो 1 लाख रुपए में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। न्यू फैंसियर को तो मैं कहूँगा कि एल्बिनो क्रीमिनो पाब्लो स्प्लिटिनो भी नहीं लगाओ आप, आप लुटिनो फिशर से शुरू करो भाई। ठीक है, सही है। तो ये होगी बात कि अभी हमें उस पर नहीं जाना चाहिए म्यूटेशन पे, बड़ी हमें कमर्शियल पे जाना चाहिए। अब आखिरी बात, जो हमने हर हफ्ते एक नई एक पेयरिंग बतानी है, इस हफ्ते कौन सी पेयरिंग बता रहे हो? यार सर इस हफ्ते मैं एक बड़ी जबरदस्त पेयरिंग बता रहा हूँ आपको, जिससे आप लोग बना सकते हैं एल्बिनो रेड आई फिशरी। अच्छा, आजकल सब यही कह रहे हैं कि जी आपका एल्बिनो जो है वो फिशरी है या पसनाटा है। फिशरी और पसनाटा में फर्क है यार सर भाई, अगर उसको आप पार्ब्लू देते हैं ना तो पसनाटा में मास्किंग आ जाती है बहुत ज्यादा, और फिशरी में जो अगर फिशरी होगा तो वो पार्ब्लू जो है वो क्लियर हेड का आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक पेयरिंग आपको बताता हूँ कि आप लोग जो है लोटिनो पसनाटा जिसे हम बोलते हैं ना रेड आई, वो असल में पसनाटा नहीं होता, वो 100% फिशरी है। ठीक है, लोटिनो फिशरी को ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो लगाएं। ठीक है, ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो पार्ब्लू स्प्लिटिनो और एल्बिनो रेड आई से निकली हुई हो, तो उससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पास अगर 4 बच्चे आए तो 2 बच्चे एल्बिनो रेड आई आएंगे और वो एल्बिनो रेड आई जो होंगी वो फिशरी बर्ड्स होंगे, वो एल्बिनो फिशरी होगी, और बाकी 1-2 बच्चे जो आएंगे वो आपके पास दोबारा लोटिनो फिशरी रिपीट हो सकती है, और जो है दोबारा आपके पास जो है वो ब्लू फिशरी भी आ सकती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो गाइस ये थी आज की पेयरिंग, इंशाल्लाह हाजिर होंगे दोबारा नई वीडियो के साथ, एक और पेयरिंग के साथ, और इसी तरह की कुछ मजीद टिप्स लेते रहेंगे साथ भाई से, और जो सवाल मेरे जहन में उठते जाएंगे मैं पूछता रहूँगा। आप लोगों के जहन में भी कोई सवाल उठते हैं तो आप कमेंट करा करें, ताकि हम वो सवाल जो है ना उनके जवाब ढूंढें, साथ भाई के पास जाएं और इस तरह के जवाब लेकर आएं। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।